वंदे मातरम विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है 10वीं और 12वीं के जो परीक्षा परिणाम बोर्ड परीक्षाओं के वो आ चुके हैं और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 10वीं या 12वीं की परीक्षा में सफलता प्राप्त नहीं की है, तो उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप किसी भी कारण से, चाहे आपकी पढ़ाई बीच में छूट गई हो या आप बोर्ड की कक्षाओं में पास नहीं कर पाए हो, तो आप राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर से फॉर्म भर सकते हैं और अपनी जो भी 10वीं 12वीं की जो परीक्षा है वो पूर्ण कर सकते हैं। उसका जो प्रमाण पत्र होगा वो नियमित जो बोर्ड की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रमाण पत्र के समकक्ष माना जाता है। तो इसके संबंध में दिनांक 22/6/2022 यानी कल ही विस्तृत जो एक प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई है जो आज के अखबार में आई है, तो मैं आपको इसके बारे में पूरी जो प्रेस विज्ञप्ति है वो आपको बता रहा हूँ। तो जैसे कि ये विज्ञप्ति है आप देख पा रहे हैं, प्रेस विज्ञप्ति राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर का सत्र 2022-23 का नवीन पंजीयन कार्य 27 जून 2022 से प्रारंभ किया जा रहा है, यानी इसी महीने की 27 तारीख से 4 दिन के बाद में ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी पंजीकरण की। और इसमें कुछ तिथियां निर्धारित की गई है वो है, और जो शुल्क है उसके बारे में पूरी मैं जानकारी दूंगा। तो स्ट्रीम टू में जो प्रवेश या पंजीयन की जो तिथियां हैं वो 27 जून से 15 जुलाई 2022 तक बिना विलंब शुल्क सभी संदर्भ केंद्रों पर। कुछ जो स्टूडेंट्स, मैंने इस संबंध में पहले भी एक वीडियो बनाया था जो स्टेट ओपन का जो प्रश्न उठाया था उसके संबंध में, तो आपको संदर्भ केंद्र आपके जिला या ब्लॉक स्तर पर जो भी सरकारी स्कूल जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उसमें आप संपर्क करेंगे तो आपको जानकारी हो जाएगी कि लगभग हर ब्लॉक स्तर पर या जिला मुख्यालय पर एक विद्यालय में संदर्भ केंद्र स्थापित किया गया और वहाँ के जो प्रभारी है उनसे आप संपर्क करके इसके बारे में विस्तार से जानकारी ले सकते हैं। दूसरा जो था अभी कि 16 जुलाई 2022 से 29 जुलाई 2022 तक, यानी कि 15 जुलाई तक आप बिना विलंब शुल्क के और 16 जुलाई से 29 जुलाई तक यानी जुलाई महीने के लास्ट तक आप ₹250 विलंब शुल्क सहित आवेदन संदर्भ केंद्र पर भर सकते हैं। और स्ट्रीम वन में है वो 27 जून से 16 अगस्त तक बिना विलंब शुल्क के आरम्भ ये आवेदन लिए जाएंगे, और 17 अगस्त से 1 सितंबर तक ₹250 विलंब शुल्क, और 2 सितंबर से 15 सितंबर तक ₹350 विलंब शुल्क सहित जो आवेदन है वो होंगे। उसके बाद में अगर फिर भी आप लेट हो जाते हैं और नहीं भर पाते हैं और तो पंजीयन स्ट्रीम वन में 16 सितंबर 2022 से 10 अक्टूबर 2022 तक ₹500 विलंब शुल्क सहित आप सभी केंद्रों पर संदर्भ केंद्रों पर ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब पंजीयन शुल्क है वो किस प्रकार रहेगा, यानी जो शुल्क है वो स्ट्रीम एक और दो के लिए, तो सामान्य जो वर्ग है जिसके लिए कोई आरक्षित वर्ग नहीं उनके लिए जो प्रवेश शुल्क है माध्यमिक पाठ्यक्रम यानी 10वीं के लिए ₹1450 और उच्च माध्यमिक पाठ्यक्रम के लिए ₹1700 है। छूट वाले वर्ग है तो जो प्रवेश शुल्क है वो ₹1250 और उच्च माध्यमिक के लिए ₹1475। और अतिरिक्त विषय प्रति विषय, अगर मान लो आपके कोई विषय अतिरिक्त एक्स्ट्रा से आप करना चाहते हैं तो ₹280 प्रति विषय 10वीं के लिए और 12वीं के लिए ₹340 प्रति विषय है। इसके अलावा पुनः प्रवेश, आंशिक प्रवेश या ITI तो पंजीयन या परीक्षा शुल्क जो भी है प्रति विषय वो ₹530 है, यानी ₹250 प्लस ₹280 ये पुनः प्रवेश और आंशिक प्रवेश के लिए है। और TOC शुल्क है जो प्रति विषय है वो ₹100 है 10वीं और 12वीं दोनों के लिए। प्रायोगिक शुल्क अगर कोई आपका विषय ऐसा है जिसमें प्रैक्टिकल है तो ₹120 और ₹120 10वीं 12वीं के लिए। और अग्रेषण शुल्क है वो ₹50 10वीं और 12वीं दोनों के लिए है। और आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा करवाना है तो शुल्क जो संदर्भ केंद्र द्वारा भरने पर ही, अगर संदर्भ केंद्र पे आप भरते हैं तो वहाँ आपको जो आवेदन शुल्क के लिए ऑनलाइन करना है तो जो शुल्क देना पड़ेगा वो ₹30 होगा 10वीं और 12वीं के लिए। अब इसमें कुछ विशेष नोट है या कुछ छूट है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांगों, भूतपूर्व सैनिकों, अभ्यर्थियों को आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न करने पर प्रवेश शुल्क में ₹25 की छूट दे है। और ऐसा अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त कोई शुल्क अदा नहीं करे, यानी जो शुल्क है उसमें भी अगर आपके ST SC या विकलांग जो दिव्यांग है या भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी हैं तो आपको ₹250 की इसमें छूट मिलेगी। और इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण और कौशल संवर्धन योजना एक जो योजना है उसमें शिक्षा सेतु के अंतर्गत सत्र 2022-23 में माध्यमिक उच्च माध्यमिक पाठ्यक्रम में नवीन प्रवेश लेने वाले समस्त महिलाओं बालिकाओं का जो शुल्क है का पुनर्भरण निदेशालय महिला अधिकारिता विभाग द्वारा किया जाएगा। आवेदन ऑनलाइन करने का शुल्क ₹30 है वो सिर्फ वो महिलाओं को देना पड़ेगा, अन्य जो शुल्क है वो यानी कि महिलाओं के लिए ये निःशुल्क है। आप इसके बारे में और जानकारी संदर्भ केंद्र से ले सकते हैं। तो ये आज ये आज के अखबार में ये न्यूज़ आई है, पूरी प्रेस विज्ञप्ति है राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड जयपुर की, ये क्रमांक है और इसके बारे में विस्तार से जानकारी चाहिए तो आप अपने निकटतम जिला या ब्लॉक के जो स्थित सीनियर सेकेंडरी स्कूल है
वहाँ जहाँ भी संदर्भ केंद्र है, आप किसी को भी पूछेंगे तो राष्ट्र डिस्ट्रिक्ट ओपन का संदर्भ केंद्र है वो आपको बता देंगे, और अगर संभव हुआ तो मैं एक वीडियो में इसकी लिस्ट बना करके आपको दे दूँगा कि किस ज़िले में कहाँ कहाँ संदर्भ केंद्र है। तो ये इम्पोर्टेंट अपडेट थी राजस्थान स्टेट ओपन के संबंध में, आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद। अगर आप स्टेट बोर्ड के जो भी सेंटर है, जो संदर्भ केंद्र है, उसकी लिस्ट जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ जैसे ये माध्यमिक राजस्थान बोर्ड education.rajasthan.gov.in जो साइट है, उसके शिक्षा विभाग की जो साइट है उसके ऊपर ये पूरी लिस्ट दी हुई है, जिसमें ये AI कोड है, नेम ऑफ AI सेंटर यानी जो संदर्भ केंद्र का नाम है, डिस्ट्रिक्ट है, पिन कोड है और ऑफिस फ़ोन नंबर जहाँ से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये पूरी डिटेल आपको जैसे यहाँ ABCD से लेकर के ये 20 पेज तक जो रिकॉर्ड है उसमें, जैसे पहले जो पेज है उसमें अजमेर में है, तो अजमेर में कहाँ कहाँ है, जैसे ये अजमेर है, पुरानी मंडी अजमेर, नसीराबाद है, किशनगढ़ है, अराई है, ब्यावर है, उसी तरह से मसूदा है, जवाजा है, बिना है, इसी तरह से आप किसी भी ज़िले की आपको देखना चाहते हैं तो जैसे ये भिलवाड़ा के जितने भी ज़िले हैं उनकी है, आप जैसे ये डूंगरपुर की है, जयपुर की है, इसके अलावा आगे जैसे जैसे यहाँ क्लिक करेंगे यहाँ आपको जयपुर की सारी लिस्टें मिल जाएगी, जयपुर के लगभग सभी जो सेंटर है वहाँ की लिस्ट आपको मिल जाएगी। तो इस तरह से आप यहाँ प्राप्त कर सकते हैं कि अब जैसे और भी अगर जिलों को देखना चाहते हैं, इसके आगे के जो है झुंझुनू का है, ये जालौर का है, जैसे यहाँ नोडल केंद्र जिले का एक जो विद्यालय होगा वो नोडल केंद्र होगा, इसके अलावा जितने भी अन्य जो ब्लॉक के जो स्तर है वो सारे स्कूल हैं वो वहाँ सारी उसमें आ जाएगी। इसी तरह से किसी भी ज़िले की आप जानना चाहते हैं तो जैसे ये सिरोही की है या राजसमंद की है, उदयपुर की है, किसी भी ज़िले की आप जानना चाहते हैं, प्रतापगढ़ वगैरह की, तो ये आप इस साइट में जाकर देख सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं इसका लिंक है वो इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि वहाँ से आप आसानी से उस लिंक पर क्लिक करके ये पूरी लिस्ट आपके सामने खुल जाएगी। और इसमें जो पेज दिए हुए हैं उन पेज के हिसाब से ये काफ़ी लंबी लिस्ट है, और 472 जो विद्यालय के संदर्भ केंद्र राजस्थान में बनाए हुए हैं, और वहाँ के ये पिन कोड भी दिए हुए हैं और वहाँ के कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए हुए हैं ज़्यादातर के, तो आप वहाँ कॉन्टैक्ट करके या अपने जो भी संबंधित जिला या ब्लॉक है वहाँ से संपर्क करके ये आप कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। इसी तरह के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल पर बने रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।